तो स्टार्टिंग में ये है, इग्निशन ऑन में ये साउंड देती है। अब इसके एक्सीलेटर मारते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आप पीछे देख रहे हैं ड्यूक 390 है, ठीक है, 22 मॉडल है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, डिटेल रिव्यू, और आपको बताते हैं क्या पावर जनरेट करती है, क्या माइलेज देती है, और क्या इसका रांची में क्या ऑन रोड प्राइस प्लस एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ठीक है। पूरा डिटेल बताएंगे, इसका सीट हाइट क्या है, ऑल चीज़ इसका बारे में अभी हम पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये आप देख रहे हो लोकेशन, ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं। इसको बोलते हैं होराब जंगल, ठीक है। अगर आप हेवन हिल्स गए हो तो आपको पता चल जाएगा ये लोकेशन क्या है एग्जैक्ट। और यही है आज इस गाड़ी का हम लोग अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सामने दिख रहा है पूरा, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप लोग को भी थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि कौन सी बाइक है। बट ये ड्यूक 390 है, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके पूरा मतलब चेंज कर दिए गए हैं, लुक चेंज हो गया, ठीक है, पूरा मैट ब्लैक कर दिए हैं और कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस किए सारा बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो रांची में इसका एक शोरूम प्राइस है 2,43,000, ठीक है, और जो इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आप लोग को 2,50,000 समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है इसका प्राइसिंग रांची में। इसका वॉक अराउंड करते हैं, कैसे दिखती है व्यू, ठीक है। इसका प्रोफाइल लुक दिखा दे रहे हैं आप लोग को एक बार। तो ये है प्रोफाइल लुक, और बहुत ही एग्रेसिव लुक है सामने से, तो काफ़ी अट्रैक्ट करता है हम लोग राइडर लोग को। और ये बहुत वन ऑफ द डिमांडेड बाइक है, ठीक है, ड्यूक 390 बहुत ही पॉपुलर बाइक है। जो इसका पावर की बात करते हैं, ठीक है, पावर देती है 42.9 BHP 9,000 RPM पे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो ये लुक है बैक साइड से, और इधर अभी जो नंबर प्लेट सब है थोड़ा निकाल के रखे हैं, तो वो सब लगा लेंगे। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है, ठीक है। और इसका टायर का देख रहे हो, टायर क्या मोटा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई जितना मोटा टायर रहता है ना भाई, गाड़ी उतना और अट्रैक्टिव लगता है। और आपको दोनों साइड आगे और फ्रंट और रेयर में अलॉय व्हील मिल जाएगा, ठीक है, और ड्यूअल ABS के साथ, तो काफ़ी अच्छा है। और आप देख रहे हो ये जो DRL है ना गाइस, DRL मतलब इतना अग्रेसिव लगता है ना बाइक सामने से, तो बहुत ही मस्त लुक आ जाता है, ठीक है। और जो ये आप दिखा रहे हैं, ये इसको हम लोग ने अलग से लगाया है, मॉडिफाई कराया है, और ये हाइड्रोलिक ऑयल है, आप देख ही रहे हो, इसको भी लगवाए हैं, और कुछ कुछ आगे का सारा निकाल के रखे हैं फ़िलहाल तो मॉडिफाई के चक्कर में। अब बात करते हैं इसकी सीट हाइट की, ठीक है। इसकी सीट हाइट है 822 mm, ठीक है, इसका जो सीट हाइट है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपका हाइट 5.7 है तो ठीक है, बाकी 5 वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नीचे ग्राउंड में पैर अच्छे से नहीं आएगा, तो वो चीज़ है। जिसका हाइट 5.11 है उसके लिए एकदम परफेक्ट बाइक है, ठीक है, वो चीज़ है। और इसका एग्जॉस्ट भी अभी आपको सुनाते हैं, ठीक है, चलो इसका एक बार आवाज़ सुनते हैं फिर से, ठीक है, पूरा थ्रोटल मार के देखते हैं। तो स्टार्टिंग में ये है, इग्निशन ऑन में ये साउंड देती है। अब इसके एक्सीलेटर मारते हैं। तो ये साउंड है, कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताना, ठीक है, ड्यूक 390 का साउंड कैसा अट्रैक्टिव है कि नहीं है कमेंट करके बताना। और ये चीज़ है, अभी हम इसका फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स दे रही है। तो चाबी ऑन करें, स्टार्टिंग में रेडी टू रेस, और आपको ये जो भी सेटिंग है यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है,
यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर दे देती है, फ्यूल इंडिकेटर दे देती है, गियर इंडिकेटर दे देती है, ठीक है, और बाकी जो ABS ऑन है वो सारा तो दे देती है। और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जो ये चार बटन है, ठीक है, इसी सेट होता है कि कौन सा क्या सेटिंग करना है, ठीक है। मोटरसाइकिल है, ट्रिप डाटा यहाँ सेट कर सकते हो, माई राइड जो भी सेटिंग है सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक जाते हैं, यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा क्या है, ठीक है। ओडोमीटर यहाँ भी दिखता है, सो भी सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। इसकी माइलेज की बात करते हैं, ठीक है। माइलेज ये आपको सिटी में 20 से 25 तक देती है, ठीक है, और हाईवे में तो आप गेस ही कर सकते हो, जितना स्पीड से गाड़ी चलाओगे उसके हिसाब से पेट्रोल ज़्यादा ही खाएगी, तो वो चीज़ है। इसका जो एवरेज माइलेज है 20 से लेके 25 तक है, ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। पावरफुल इंजन लगा है इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड पिकअप पकड़ लेती है, तो इसीलिए जो इसका माइलेज है तो ऑब्वियसली इसका कम ही रहेगा। तो कैसे लगा गाइस बताना, ठीक है। सामने से देखो क्या लुक आ रहा है हमको भाई, सबसे ज़्यादा ये जो लगता है ना, ये वाला खतरनाक टाइप है। इसको मॉडिफाई कराएं तो क्या लुक, आप लोग को इसका लुक पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। क्योंकि गैस इसमें जो मॉडिफाई में खर्चा हुआ है, कम से कम 30-40 हज़ार कुछ खर्च किए हैं, ठीक है, मॉडिफाई कराने में। तो भाई होता है बाइक को, ठीक है, तो इसीलिए जो इसमें जो खर्चा होता है सारा करने को तैयार है, तो यही है गैस। कर वेट की बात करें तो 171 केजी की बाइक है, ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत ही दमदार बाइक है ये भाई। तो गैस कमेंट करके बताना आज का रिव्यू कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, ठीक है।